नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल AS अकेडमी में। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं के प्रश्नों के बारे में। दोस्तों मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कुछ सवाल भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक जो भर्ती वर्ग 3 का एग्जाम नहीं होगा, कुछ लोग बोलते हैं इसमें पदों की संख्या क्लियर नहीं है इसलिए कुछ हो नहीं सकता, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भैया यदि एग्जाम हो भी जाएगी तो नियुक्ति ये लोग नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का एग्जाम होगा, ये बात बिल्कुल तय है। आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते CM शिवराज सिंह चौहान जी ने एक घोषणा की थी जिसमें 1,00,000 पदों पर भर्ती करने का उन्होंने वादा किया था और उन्होंने कहा था कि 1,00,000 पदों पर भर्ती होगी। मैं आपको ध्यान होगा इस बात को जरा समझने की कोशिश करना कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में पदों की संख्या समथिंग 18,000 है आपके जो DPI और ट्राइबल विभाग दोनों के मिला के। हम 18,000 की यहाँ पर बात नहीं करते, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम 10,000 की बात कर रहे हैं कि यदि शायद इन लोगों ने 18,000 पद नहीं दिए तो 10,000 तो आप मिनिमम मान के चलो कि वर्ग 3 में जो पदों की संख्या होगी वो 10,000 होगी और आप इसको टारगेट लेके चलें और अपनी तैयारी में लगे रहें। दूसरी बात यह होती है कि नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों नियुक्ति की बात यह है कि जितने भी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में चयन होगा छात्र छात्राओं का, उन सभी की जो नियुक्ति होगी वो शायद CM राइज स्कूलों में होगी। CM राइज स्कूलों में क्योंकि देखो अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है, ऐसे नॉर्मल शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे मध्य प्रदेश में 30,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एजुकेशन 12th पास है, 12th के बाद उनके पास कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए जो CM राइज स्कूल है उसमें अच्छे टीचरों की जरूरत है, यंग टीचरों की जरूरत है, इसलिए इनका जो चयन होगा वो CM राइज स्कूलों में होगा। ये बात क्लियर है। तीसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का एग्जाम होगा या नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि आप सभी को ये बात पता है कि हमारे जो व्यापम के नियंत्रक थे, परीक्षा नियंत्रक थे, उनका यहां से रिटायरमेंट हो गए, नए आ गए हैं। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं कि सिर्फ व्यापम को दो एग्जाम करानी है, एक तो MP पुलिस भर्ती और एक करानी वर्ग 3। ये दोनों परीक्षाएं 2021 इनका टारगेट है कि कैसे भी करके दोनों एग्जाम करा दें, इसके बाद सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी और बाद में सारे काम होते रहेंगे, लेकिन 2021 में दोनों एग्जाम इनको कंडक्ट कराना बहुत ही जरूरी है। यदि एग्जाम नहीं हो पाएंगे तो समझिएगा सरकार पूर्ण तरीके से विफल हो चुकी है और इनके बस की अब कुछ भी काम नहीं है। तो आपकी एग्जाम होगी और आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहें, अभी आपके पास मौका है, समय है। यदि आपके कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो आप उनको अच्छी मजबूती से तैयार करें, उन पर अच्छी पकड़ बना लें। यदि आपकी पेडागोजी का पोर्शन कमजोर है तो उस पर पकड़ बनाएं, मेन सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो उस पर पकड़ बनाएं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों में ना आए, आपको वर्ग 3 के एग्जाम होगा, ज्वाइनिंग भी मिलेगी, क्योंकि अंत समय में कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि जब एक दो नंबर से आपकी ज्वाइनिंग रुक जाती है, आपकी नियुक्ति नहीं हो पाती, चयन सूची में नाम नहीं आ पाता, तो आप अंततः परेशान होते हो। आप सोचते हैं कि काश हमारे 2 नंबर या 3 नंबर हो गए होते तो बहुत अच्छा रहता। ये मैं जीते जागते उदाहरण दे रहा हूँ आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं मिला हूँ जिनके 75 नंबर भी नहीं आ पाए, 1-2 नंबर से रुक गए, किसी का मतलब आपका नॉर्मलाइजेशन में कम ज्यादा हो गए, तो परेशान है। इस प्रकार की नौबत बिल्कुल भी मत आने दो। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सब लोग वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहें, और हमारी AS अकेडमी के द्वारा आप सभी के लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के नोट्स NCERT बेस्ड प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9111755039 पर कॉल या मैसेज करके, व्हाट्सएप करके वर्ग 3 के नोट्स मंगा सकते हैं। और जो नोट्स मैं आपको दूंगा इसमें सभी सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी, ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, वन लाइनर मिलेंगे, पेडागोजी के ऑब्जेक्टिव, थ्योरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर होंगे। पूरा NCERT बेस्ड मटेरियल होगा जो आपको सफलता के काफी करीब लेकर जाएगा। दोस्तों आपकी उम्मीदों पर मटेरियल पूरा खरा उतरेगा, आप जिस जगह पे जाना चाहते हैं वहीं पे पहुंचेंगे। तो ऐसा मटेरियल जो है ये उन भाई बहनों के लिए जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे, ऐसी माता बहनें जो गृहिणी है, घर में है, बाहर नहीं जा पा रही, उन सभी के लिए रामबाण साबित होगा ये मटेरियल। तो आप घर बैठे मंगा सकते हैं और ऑर्डर लगा सकते हैं, और टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। हमारे AS अकेडमी ऐप पर टेस्ट सीरीज चल रही है तो ऐप को डाउनलोड कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप की लिंक दे दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के एग्जाम को लेकर, नियुक्ति को लेकर, पदों को लेकर बिल्कुल भी आप गुमराह ना हो। ये आपका होगा, नियुक्ति भी होगी और पद भी क्लियर होंगे, सब होगा। आप बस धैर्य रखिएगा, बहुत जल्दी होगा। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। गॉड ब्लेस यू।